कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह तबाही मचा रही है, इससे एक बात साफ है कि कोरोना टीकाकरण के दायरे को अब बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसे में अब तक 45 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अब 1 मई से 18 साल से अधिक की आयु वाले लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन मिल सकेगी। देश में फिलहाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड के टीके लोगों को लगाए जा रहे हैं। ऐसे में 1 मई से नए नियम लागू होंगे। बता दें कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त में वही निजी अस्पतालों में ₹250 का बेचा जा रहा है। इस कड़ी में अगर आपको वैक्सीन चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच जनता जल्द से जल्द कोरोना का टीका लगाए, इस उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। पूर्ण देशात कोरोना संक्रमण पाहता केंद्र सरकारने काल एक सगळ्यात मोठा निर्णय घेतलेला आहे। 18 वर्षावरील सर्व जणांना आता लसीकरण होणार आहे। सध्या आपण नागपूर शहरातल्या विमा दवाखाना लसीकरण केंद्रावर आपण पाहू शकत आहोत की सध्या इथे 45+ जे व्यक्ती आहेत तेच लसीकरण घेत आहे। पण येत्या 1 मेपासून संपूर्ण देशातले 18 वर्षाच्या वरील सगळे जे लोक असतील ते लसीकरण घेऊ शकत असतील याचा प्रस्ताव वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाकडनं किंवा तज्ज्ञांकडनं केंद्र सरकारला पाठवला जात होता किंवा लवकरात लवकर लसीकरण करायचं असेल तर ते सगळ्यांसाठी ओपन करावं। त्याच धर्तीवर काल केंद्र सरकारची कॅबिनेटची बैठक झाली, त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला की 18 वर्षावरील सगळ्या व्यक्तींना आता 1 मेपासून लसीकरण देण्यात येईल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश, अभिषेक पानसी, NBCN न्यूज, नागपूर।